बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक 10 वर्षीय मासूम के साथ सब्जी परोसने के बहाने घर पे बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन अपराध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही मामला मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां पर एक 10 वर्षीय किशोरी को एक पड़ोस के रहने वाले शख्स ने उस समय किशोरी को अपने आगोश में लिया जब पड़ोसी को उसके बुलाने पर सब्जी परोसने के लिए घर गई हुई थी। जहां आरोपी को सब्जी लेने के लिए जैसे ही वह किशोरी घर में घुसी, वैसे ही युवक ने उसे दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और सारी आपबीती अपनी माँ को बताई, जिसके बाद परिवार के लोगों के पैरों के तले से जमीन निकल गई। बताया जाता है कि आरोपी छत्तीसगढ़ रायपुर अपने परिजनों के साथ रहता है, जो गांव में 2 माह पूर्व अपना मकान बनाने के लिए आया हुआ था। घटना की रिपोर्ट थाना बेवर में दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। 10 वर्षीय किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। क्या घटना घटी है? बलात्कार। क्या हुआ? बलात्कार। क्या मतलब, पूरी बात बताएं आप। काना उसने रामू ने घर पे बिटिया पे सब्जी मंगाई, या कि सब्जी उसने अपनी भांजी को भेजी, भेजा के आओ उनके शिवानी से सब्जी लेके आओ, और सब्जी लेके गए लड़की उसने, या कि रख दो, उसने सब्जी रख दी। सब्जी रखने के बाद उसने जाके बिटिया तुम ही परस दो हमें, उसने वो प्लेट लेने गई सब्जी परसने के लिए, तो सब्जी परसने के लिए प्लेट लेके गई, उसने गेट में अंदर बंद कर लिया। बंद कर लिया, मैंने मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के काना फोटो दिखाई, और फोटो दिखाने के बाद और काना उसने उसे पकड़ लिया। मतलब किस तरह की फोटो दिखाई, क्या पिक्चर वगैरह? गंदी फोटो, गंदी पिक्चरें दिखाई। हाँ। अच्छा, तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? बलात्कार। मतलब बेटी ने आपको क्या बताया, घटना की जानकारी क्या दी आपने? घटना की जानकारी यही दी, बलात्कार किया है इसने। अच्छा, आरोपी कौन है? रामू। कहाँ का रहने वाला है ये? चौड़ी, चौड़ी के पास है, कश्यप नगर है। कश्यप नगर। ये घटना, ये घटना कहाँ की है? आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटी है? घटना ये अपनी लड़की को बुलाया है जी, और सब्जी की बहाने जी, और उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ दुष्कर्म किया है। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? लोग हैं जो घटना को अंजाम दिया, कौन लोग है वो? कश्यप लोग। किसने दी घटना को अंजाम, किसी को जानते हैं ना आप? राम। ये कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, कब की बात है ये? 12:30 बजे घटना की तहरीर आपने थाने पे दी है? हाँ। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अभी जो है आश्वासन कुछ नहीं दिया है सर, अभी जो है जाएंगे। अच्छा, है बेवर थाना क्षेत्र के जो 10 वर्ष की छात्रा का दुष्कर्म किया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, वो लड़की के पिताजी संतोष कुमार थाने पर आए, उन्होंने शिकायत की कि मेरी लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले रामू ने बलात्कार किया है जी। तो उसको सुसंगत धाराओं में अपराध का पंजीकरण हुआ है और लड़की को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है, और रामू के पकड़ने के लिए टीम बना दी है, उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की कुछ गिरफ्तारी हुई है? अभी आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वो भागा हुआ है, टीम लगा दी गई है गिरफ्तारी के लिए, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या सर, इस जो आरोपी है इसके खिलाफ कोई भी पहले से भी कोई मुकदमा या कुछ भी है? उसकी जांच कर रहे हैं, अगर कोई पहले मुकदमा होगा तो। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हुसैना त्वासी, आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज़। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।